हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी को। पॉलिटिकल ज्योग्राफी को शुरू करेंगे कि जो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी था, ये शब्द किसने दिया था, इसके फादर कौन है, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से वही हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो मेरी चैनल के नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो लाइक बटन है उसको प्रेस कर दें, उसके बाद ही मेरी वीडियो को आगे रन कराएं। तो इसी के साथ ही हम आज की जो क्लास है पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसको हम शुरू करते हैं। जो हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी है ना, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी शब्द दिया था, ठीक है, ये किसने दिया था, और जो राजनीतिक भूगोल है या पॉलिटिकल ज्योग्राफी का फादर किसको माना जाता है, ये दो शब्द हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्ज़ाम्स में इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि इसका फादर कौन है या ये शब्द किसने दिया था या कुछ भी ऐसा आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी शब्द था ये दिया था आपका रुडोल्फ जेलेन ने। याद रखिएगा किसने दिया था ये शब्द, जो दिया था पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये शब्द दिया था रुडोल्फ जेलेन ने। उसके बाद फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी या राजनीतिक भूगोल का जो पिता है किसको माना जाता है, फ्रेडरिक रेटजल को। यानी कि रेटजल को क्या माना जाता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का फादर माना जाता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज फ्रेडरिक रेटजल। पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, रुडोल्फ जेलेन ने। मैं यहाँ पे इनकी शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ, आप इनकी जब अपनी नोटबुक में लिखें तो साथ के साथ इनके कंप्लीट नेम लिख दें, क्योंकि अभी आपको समझ में आ रहा है कि रुडोल्फ जेलेन है, बाद में मे बी आप भूल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा, ये तो हो गया हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड, फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो बनता है राजनीतिक भूगोल का संस्थापक कौन है, ठीक है। तो इसका जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है कार्ल हाउशोफर को। कार्ल हाउशोफर को माना जाता है किसका, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का संस्थापक। और एक क्वेश्चन जिसमें ऑलमोस्ट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा जाता है हमेशा भू राजनीति का फादर, ठीक है। भू राजनीति का फादर हमेशा पूछ लिया जाता है, ऑलमोस्ट पूछा जाता है। देखिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी से ये भू राजनीति का फादर कौन है हमेशा पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा इसका भी जो फादर है वो कौन है, आपका कार्ल हाउशोफर ही हैं आपके भू राजनीति के पिता, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गए हमारे, चार क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है हमारी, उसका मेन मोटिव क्या है, मेन एम क्या है, या राजनीतिक भूगोल का उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, राजनीतिक भूगोल को पढ़ने का या पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पढ़ने का, इसको स्टडी करने का हमारा मेन एम क्या है। तो इसमें क्या होता है, संसाधनों के वितरण पर नियंत्रण बनाए रखना, कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है ना, जो भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर नहीं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या, कंट्रोल करके रखना। अब देखो क्यों पढ़ा जाता है राजनीतिक भूगोल को या पॉलिटिकल ज्योग्राफी को, इन्होंने क्या कहा कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल करके रखना। अब देखो मान लो ये इंडिया है, कोई भी कंट्री लगा लो, चाहे अमेरिका की बात करते हैं, अब ये अमेरिका है,
इसकी कोई पॉलिटिकल बाउंड्री तो होगी, कहीं पे तो अमेरिका ख़त्म होता होगा। ऐसे थोड़ी है अमेरिका ही अमेरिका, पूरे पूरे वर्ल्ड में अमेरिका ही चल रहा है। अब अमेरिका है और ये मान लो हमारा इंडिया है, ठीक है। अब अमेरिका की और इंडिया की ये वाली पॉलिटिकल बाउंड्री हो गई, तो ये क्या है, अब इनके पास जो रिसोर्सेज हैं ये अपने यूज़ करेंगे, और इनके पास जो रिसोर्सेज हैं ये अपने यूज़ करेंगे। ऐसा थोड़ी है इंडियंस जाके अमेरिका में अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे। तो यही क्या है मेन हमारा एम होता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जिसके पास जिस जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, किसके पास कितने रिसोर्सेज रहेंगे, किसकी बाउंड्री के अंदर कितने रिसोर्सेज आते हैं, वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। बाकी आप किसी दूसरे की बाउंड्री के अंदर घुस के उसके रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से जो रिसोर्सेज उनके पास हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल बनाए रखना ही मेन एम होता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। उसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कई वर्ड आपने सुने होंगे, आपने नेशन, ठीक है, नेशन, स्टेट और स्टेट कई बार आपने सुना है, और आप इन वर्ड्स में ना कंफ्यूज होते हो कि आपको समझ नहीं आता हम किसको नेशन कहेंगे, किसको नेशन स्टेट कहेंगे और किसको स्टेट कहेंगे। तो आज मैं बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही इजी तरीके से आपके ये जो डाउट है इसको ख़त्म कर दूंगी। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे किसकी, नेशन की बात करते हैं कि आप नेशन किसको कहेंगे। अगर नेशन की बात आती है ना, तो नेशन क्या कहता है, एक भूगोलबद्ध समुदाय होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया है, और उसमें क्या होता है, वो अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से वो अपने आप में क्या है, पावरफुल है, ठीक है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी वो अपने आप में खुद कॉन्फिडेंशियल है, सारे काम वो कर रहा है अपने तरीके से। उसके बाद ये तो इंटरनली और एक्सटर्नली तो हो ही गए, साथ के साथ क्या है उसमें कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी आपको, चाहे वो आपको हिस्टोरिकली रूप से मिले, ठीक है, चाहे वो आपका उसका रीजनल तरीके से मिले, उसके बाद चाहे इकोनॉमिकली मिले और चाहे आपको कल्चरली मिले, मतलब कहने का एक सिमिलैरिटी ना उस पर्टिकुलर जगह पे आपको देखने को मिलेगी, उसको बोलेंगे आप नेशन। मैं एग्जाम्पल दूंगी ना तो आपका ये जो डाउट है और जो आप कंफ्यूज हो रहे हो, वो जो समझ नहीं आ रहा ना, वो सब खत्म हो जाएगा। देखो आप बात करते हो किसकी, इसमें जो एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान को आप क्या बोल सकते हो, एक नेशन बोल सकते हो, आपका बांग्लादेश, आपका यूएसए, ठीक है, आपका फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे के सारे, जर्मनी, ये सारे के सारे क्या हैं आपके नेशन के अंडर में आते हैं। और इनमें अगर इन कंट्रीज़ की आप चाहे इनमें देखो कोई ना कोई अगर हिस्ट्री दिखाई देगी सेम सी, या फिर कोई कल्चरली इनमें समानता दिखाई देगी, जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, पाकिस्तान में क्या होता है, सारे के सारे जो कल्चरली क्या होते हैं, सिमिलर से दिखते हैं, और धर्म से रिलेटेड भी लगा लो, है ना, वो सारे सिमिलर से आपको दिखाई देंगे। तो जिस जगह पे आपको इस तरीके की समानता दिखाई दे, चाहे वो धार्मिक तरीके से, चाहे वो सांस्कृतिक तरीके से, आर्थिक से, भावनात्मक, कोई ना आपको एकता दिखाई देगी उस जगह पे। इसीलिए तो मैंने इसमें इंडिया का नाम नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, क्योंकि इंडिया में इस तरीके की कोई धार्मिक समानता, कोई भावनात्मक एकता या कोई सांस्कृतिक एकता नहीं दिखाई देगी। इनमें कहीं ना कहीं आपको हमेशा ही क्या दिखाई देगी, एक सिमिलैरिटी दिखाई देगी इन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर, हिस्ट्री के, कोई हिस्ट्री सेम सी दिखाई देगी। तो ये चीज़ें अगर कोई ना कोई एकता दिखाई दे, कोई ना कोई सिमिलैरिटी दिखाई दे किसी पर्टिकुलर जगह में, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, एक नेशन बोल सकते हो। फिर बात आती है हमारी एक नेशन स्टेट की। नेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं, तो नेशन स्टेट पता है क्या कह रहा है, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है जिसके एक पर्टिकुलर क्या होती है, एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है। आप इसमें एक पर्टिकुलर बाउंड्री है और यहाँ पे क्या रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं बड़े आराम से, ठीक है, और क्या होता है, और ये भी अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी वर्क हैं वो बहुत इजीली अपने अपने आप से हैंडल करते हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो उस पर्टिकुलर जगह को आप क्या कह सकते हो, नेशन स्टेट कह सकते हो। नेशन स्टेट में जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंडिया, श्रीलंका, सिंगापुर,
स्विट्जरलैंड, तो ये सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, नेशन स्टेट में आ जाएंगे। नेशन स्टेट में आपको बस क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं ना, उन ग्रुप ऑफ पीपल्स के चारों तरफ क्या होने चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए, एक निश्चित सीमाबद्ध एरिया होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, वो इंटरनली और एक्सटर्नली अपने आप में क्या होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, अपने काम अपने तरीके से हैंडल कर रहा है, तो आप उसको किस में काउंट करेंगे, नेशन स्टेट में काउंट करेंगे। फिर बात आती है आपकी स्टेट की, स्टेट की अगर हम बात करते हैं, स्टेट की अगर हम बात करते हैं, तो देखो स्टेट क्या होता है, जो नेशन स्टेट है ना, ये हमारा क्या था, नेशन स्टेट था, हमने अभी अभी पढ़ा। नेशन स्टेट के अंदर एक निश्चित सीमाबद्ध एरिया, जिसकी एक निश्चित पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, और उस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर वो जो भी अपनी काम करेगा ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ की सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे स्टेट आप किसको कहेंगे, नेशन स्टेट के अंदर क्या होती है, एक निश्चित बाउंड्री से बना हुआ एरिया होता है, और वो अपने जो हाई लेवल के वर्क होते हैं, जैसे कि आपके वित्त से रिलेटेड हो गए, आपके विदेश नीतियों से रिलेटेड जो भी काम हो गए, उनके लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि सेंटर गवर्नमेंट अगर इनको परमिशन देता है तो वो काम करते हैं, नहीं देता है तो नहीं काम करते हैं। बाकी सारे के सारे काम जो ये करेंगे वो अपनी मर्जी से करेंगे, उसके उन चीज़ों के लिए उनको सेंटर गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो वो होता है आपका स्टेट। दोबारा से मैं बता रही हूँ, स्टेट क्या होता है, जो नेशन स्टेट पड़ा है ना, नेशन स्टेट के अंदर ही एक सीमाबद्ध, मतलब नेशन स्टेट के अंदर ही हमारी एक बाउंड्री से बने हुए एरियाज होते हैं, जो और तो सारे के सारे काम अपनी मर्जी से कर लेते हैं, लेकिन जैसे आपके वित्त से रिलेटेड हो गए, आपके फॉरेन अफेयर्स हो गए, इन सारे के सारे नीतियों से रिलेटेड जितने भी काम होंगे ना, उनके लिए वो सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेड होते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते, वो होते हैं आपके नेशन स्टेट। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल में जैसे आपका पंजाब, ठीक है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोई भी लगा लो, कैलिफोर्निया, ठीक है, टेक्सास, फ्लोरिडा, ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके स्टेट के अंडर में आते हैं। उसके बाद एक और वर्ड आपने सुना होगा आपका, क्या, फेल्ड स्टेट या नेशन, फेल्ड स्टेट या नेशन के बारे में आपने सुना होगा। देखो नाम ही क्या कह रहा है, फेल्ड स्टेट या फेल्ड नेशन। पता है क्या होता है, कभी कभी जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, कोई नेशन है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है ना, जो प्रशासनिक तंत्र होता है, वो पूरा का पूरा ना फेल हो जाता है। मतलब कि पूरा अराजकता का माहौल वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, कोई किसी की नहीं सुनता। कहने का मतलब ये है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, पूरी तरीके से फेल हो जाती है, उसकी कोई नहीं सुनता है, ठीक है। वो अपने जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करने में बिल्कुल ही असमर्थ हो जाती है, बिल्कुल फेल हो जाती है, और अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि अब हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे इतना बुरा माहौल हो जाता है कि सब लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, गलत कर रहे हैं तो गलत, सही कर रहे हैं तो सही, मतलब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, और ना ही कोई किसी को रोक सकता है। गवर्नमेंट तो बिल्कुल वहाँ पर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो उसी को बोला जाता है फेल्ड स्टेट या फेल्ड नेशन। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल में आपके आ जाएंगे, एग्जांपल में अगर अब मैं बात करूँ तो आपके आ जाएंगे जैसे सीरिया हो गया, है ना, आपका अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, सोमालिया हो गया, आपका इथोपिया हो गया, युगांडा हो गया, तो इस तरीके से और भी सो मैनी ऑन है, वो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फेल्ड नेशन के या फेल्ड स्टेट के, तो वो आप देख सकते हैं। समझ में आना चाहिए फेल्ड स्टेट या फेल्ड नेशन क्या होता है। कई बार इनकी ना ऐसे लाइन वाइज डेफिनेशंस आ जाती हैं, और उनको टिक करना होता है कि इनमें से गलत लाइन कौन सी है, उसको निकालो, क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है,
तो आप उनमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इस तरीके से क्या होते हैं, हमारा ये फेल्ड नेशन या फेल्ड स्टेट होता है। एक बार फिर से इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसके ये जो शब्द है ये किसने दिया था, ये शब्द दिया था आपका रूडोल्फ जेलेन ने, पॉलिटिकल ज्योग्राफी शब्द दिया था। उसके बाद जो फादर माना जाता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, उसको किसको माना जाता है, फ्रेडरिक रेटजल को पॉलिटिकल ज्योग्राफी का फादर माना जाता है। फिर इसके संस्थापक कौन है, तो संस्थापक हैं आपके पॉलिटिकल ज्योग्राफी के कार्ल हाउ शोफर, और भू राजनीति का फादर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, हमेशा ही पूछा जाता है भू राजनीति का फादर या भू राजनीति का पिता कौन है, तो ये भी आपका आंसर आएगा। कंफ्यूज मत होना कि फ्रेडरिक रेटजल आप टिक करके आ जाओ, ऑप्शन को गलत हो जाएगा। कार्ल हाउशोफर होते हैं आपके पॉलिटिकल इसके भू राजनीति के पिता। उसके बाद आपका जो एम है, किसका एम, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पढ़ने का जो मेन एम है वो क्या है, क्या कह रहा है ये, रिसोर्सेज, मैंने अलग अलग लिखा है यहाँ पे, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल, मतलब कि रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल बनाए रखना। और कंट्रोल कैसे होगा, जब किसी पर्टिकुलर कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज होंगी, बाउंड्री होंगी तभी तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये चीज़ हमारी है। जैसे हमारा घर होता है तो हमारे घर के अंदर जो चीज़ें रखें वो हमारी है, दूसरे के घर के अंदर जो चीज़ें रखें वो उनकी है। हम ऐसे थोड़ी कहते दूसरे के घर में जाके कि ये चीज़ें तो मेरी है, आपका फ्रिज हमारा है, आपका टीवी हमारा, नहीं कह सकते ना। तो ऐसे ही होता है, आपका जो रिसोर्सेज जिस कंट्री के अंडर में रिसोर्सेज आते हैं वो उन्हीं कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं। तो रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल बनाए रखना ही आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी का मेन एम होता है। उसके बाद फिर बात करी थी हमने नेशन की कि किसको हम नेशन कह सकते हैं। नेशन की जब बात आई थी तो नेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था कि एक तो पर्टिकुलर उसकी बाउंड्री मिलेगी, सीमाबद्ध होगा, दूसरी बात क्या कही थी, इंटरनली और एक्सटर्नली अपने आप में क्या होगा, वो पावरफुल है, तीसरी बार वहाँ पे कोई ना कोई एक सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, वहाँ पे कोई ना कोई एकता देखने को मिलेगी, चाहे वो आपकी उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्यों ना कोई एक समानता आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में दिया आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, और भी बहुत सारे दिए हैं। पाकिस्तान का मैंने बताया था धर्म से रिलेटेड आपको देखने को मिलती है, पहनावे से देखने को मिलती है। तो इस तरीके से क्या है, हम उसको क्या बोल सकते हैं, नेशन बोल सकते हैं। फिर बात आती है आपकी नेशन स्टेट की, नेशन स्टेट भी कुछ मिलता जुलता आपका नेशन के जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसमें कोई सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिलेगी आपको। इसमें क्या होता है, एक सीमाबद्ध एरिया होता है, ये भी क्या होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली पावरफुल होता है अपने कामों में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, ये नेशन स्टेट कहते हैं। मतलब इसमें वो चीज़ नहीं है कि सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, वो चीज़ नहीं मिलेगी, बस क्या होनी चाहिए, इनका एक पॉलिटिकल बाउंड्री होनी चाहिए, पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको ये दे ही दिए थे, इंडिया श्रीलंका। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो स्टेट के बारे में पढ़ा। स्टेट तो बहुत ही ईजी है, जैसे कि कोई एक नेशन स्टेट था, नेशन स्टेट यानी कि कोई भी एक कंट्री लगा लो, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया है, इंडिया के अंदर ही हमारे इतने सारे स्टेट हैं, सबको पता है, हर एक कंट्री के अंदर होते हैं स्टेट्स। तो स्टेट क्या भी होते हैं, स्टेट की भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, जैसे पंजाब की अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री है, हरियाणा की अपनी है ना, तमिलनाडु की अपनी है। तो नेशन स्टेट के अंदर जो एक एरिया होता है जिसकी अपनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, वो सारे काम करने में तो खुद में सेल्फ इंडिपेंडेंट है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जैसे कि आपके फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड हो गए, है ना, आपके फाइनेंशियली कोई काम करना है उससे रिलेटेड जो वर्क हो गए, उसके लिए इसको किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना ये उसके ऊपर कोई भी अपना एक्शन नहीं ले सकते हैं, वो होता है आपका स्टेट। स्टेट तो वैसे आप सबको ही पता है, स्टेट हमारा स्टेट ये है, आपका स्टेट ये है, लेकिन स्टेट के एक्चुअल जो डेफिनेशन होती है वो आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें आती हैं उसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, है ना, आपका छत्तीसगढ़, और भी बहुत सारे दूसरी कंट्रीज़ के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें ले सकते हो आप।
उसके बाद आपकी बात आई थी हमारे फेल्ड नेशन की। फेल्ड नेशन देखो क्या होता है, फेल्ड नेशन या स्टेट, आपको नाम से ही बता रहा है कि जब नेशन या जो स्टेट है वो फेल हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, फेल्ड नेशन या फेल्ड स्टेट। और फेल कैसे होगा, अब देखो कोई एक जगह है वो फेल कैसे होगी, जब वहाँ की गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से फेल हो जाएगी, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है पूरा का पूरा फेल हो जाएगा, कंट्री के ऊपर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहेगा, कोई किसी की सुन नहीं रहा, अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, जो मन में आ रहा कर रहे हैं, वो चीज़ें आपकी सारे के सारे किस में आएंगे, आपके फेल्ड स्टेट या फेल्ड नेशन में। इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए थे, जैसे सीरिया हो गया आपका, है ना, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया, इथोपिया, युगांडा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो फेल्ड नेशन के। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये आज का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। कल के क्लास में हम करेंगे अपना हार्टलैंड थ्योरी, ठीक है, तो यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।